हाई यू गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज़ आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरी अब तक की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज यू गाइज़ नो आई एम प्रेगनेंट एंड करेंटली आई एम थर्टी सेवन pregnant. सिक्स डेज प्रेगनेंट और अब बेबी कभी भी आ सकता है तो मैं आज बेबी के हॉस्पिटल बैग को पैक करने जा रही हूँ और मैं आप लोगों को भी दिखाने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है तो हॉस्पिटल से जो मेरे को चेक लिस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को बोला है कि फ़ाइव बेबी के फाइव uh, मेरे को सेट्स कपड़ों के सेट्स रेडी uh, करने हैं सो गाइज को हॉस्पिटल से जो चेक लिस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग मेरे को बेबी के पाँच कॉटन uh, uh, के सेट्स पैक करने हैं तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ले लिया है uh, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं वॉश कर चुकी हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने वॉश नहीं की है तो दीज क्यूट बेबी सूट्स ये ऐसे हैं हंड्रेड परसेंट कॉटन है और मैंने इसको मदर कैसे लिया है तो ये बहुत ही क्यूट है इसमें मैंने न्यूबॉर्न नहीं लिया मैंने लिया है कि अप टू वन मंथ कि एटलीस्ट बेबी वन मंथ तक इसको पहन पाए तो ये है इसमें एक ये कलर है और फिर दिस ब्लू कलर मैंने प्रेफर किया है कि मैं न्यूट्रल कलर्स लूँ बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों को नहीं पता है कि बेबी बॉय होने वाला है बेबी गर्ल होने वाली है सो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और हंड्रेड परसेंट कॉटन है और तीन ये हो गए हैं उसके बाद एक ये अंडर शर्ट है और uh, उसके साथ एक ये वॉम पजामी है तो मैंने ये लिया है फिर आई हैव अनदर सेट ये बहुत ही क्यूट सा आई डोट नो फॉर सम रीज़न आई लव ब्लू तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर बेबी गर्ल होगी तो कितने सारे ब्लू वो होने वाले हैं बट दिस इज़ वेरी क्यूट एंड आई थिंक पिंक है ब्लू है डजेंट मैटर कपड़े अच्छे होने चाहिए क्यूट होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए कम्फर्टेबल होने चाहिए जिनका मैंने ध्यान रखा है तो दिस इज अनादर वन उसके बाद फिर मैंने ये लिए हैं स्वाडल्स जो मैंने फर्स्ट प्राइज से लिए हैं तो इट्स अ सेट ऑफ टू जो मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट क्लॉथ है और ये ये प्लेन है और ये प्रिंटेड है तो मैं ये हॉस्पिटल बैग में पैक करने वाली हूँ दोनों क्योंकि शुरुआत में बच्चों को सॉर्गल करते हैं और ये एक टावल है जो मैं साथ में कैरी करने वाली हूँ और उसके अलावा आई हैव दिस पेयर ऑल्सो कि अगेन, दिस इज़ अगेन ब्लू पर इट्स वेरी क्यूट आई थिंक न्यूट्रल कलर है चल जाएगा तो एक मैं ये कैरी करने वाली हूँ जब बेबी घर आए तो उस टाइम के लिए आपको थोड़े से वार्म कपड़े चाहिए होते हैं क्योंकि हॉस्पिटल का जो टेम्परेचर होता है वो बेबी के लिए कंफर्टेबल होता है तो आप कॉटन के कपड़े पहना सकते हो पर जब आप हॉस्पिटल से निकलते हो सो यू हाव टू मेक श्योर के बेबी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे तो उसके लिए मैंने ये थोड़े ज़्यादा वार्म कपड़े कैरी किए हैं और उसके साथ मैंने एक की और सेट uh, कैरी किया है ये भी वॉम है अगर ज़रूरत पड़े मैं साथ में कैरी कर रही हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये है क्यूट सी पजामी है एंड uh, uh, ये है एक हुडी टाइप और इसके साथ एक ब्लैंकेट है इसके साथ मिटन्स भी हैं और सॉक्सेस भी आई डोंट नो कहाँ है मेरे सब कुछ फैला हुआ है तो मैं अभी साथ, -साथ में ही एक्चुअली पैक करने वाली हूँ तो जब मैं वीडियो बना लूँगी तो मैं ये सारा सामान जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैं अपने बैग में पैक कर दूँगी उसके अलावा आई हैव दिस ब्लैंकेट जिसमें आप बेबी को कैरी कर सकते हो ये इस तरह से खुल जाता है और आप इसको वापस से बेबी को ये इस तरह का है आप इसमें वापस बेबी को ऐसे पैक करके ऐसे करके आप इसको पैक कर सकते हो तो बेबी एकदम आप इजीली कैरी कर सकते हो एंड इट्स वार्म और बहुत ही कंफर्टेबल है क्लोथ बहुत कंफर्टेबल है और वाम भी है सो so, एक मैं ये कैरी करने वाली हूँ एंड दिस इज़ अनदर वन ये भी मैंने फर्स्ट प्राइज से ही लिया है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वार्म आई डोंट थिंक कि मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी पर फिर भी मैंने ले लिया है कि किफ इनकेस uh, मुझे हॉस्पिटल से बेबी को वापस लाने के लिए चाहिए हो या अगर हम कहीं बाहर जा रहे हो तो हम उसके लिए भी इसको कैरी कर सकते हैं सो so, यहाँ पे कुछ इस तरह से चेन है आप इसको दोनों साइड से ओपन कर सकते हो जस्ट पुट योर बेबी इन साइड इसको बंद कर दो एंड यू कैन कैरी योर बेबी लाइक दिस सो इट्स वेरी क्यूट तो दिस इज अनदर थिंग और उसके अलावा आइज़ एक ये सेट है जिसमें uh, कैप है और uh, इसमें बेबी के बूथ्स हैं और इसमें मिटन्स हैं बिकॉज बेबी खुद को न्यू बॉर्न बेबीज के नील्स थोड़े से शार्प होते हैं और वो खुद को हर्ट कर सकते हैं तो इसलिए मिटन्स हैं और ये मैं कैरी करने वाली हूँ हॉस्पिटल बैग में और ये है सॉक्सेस बेबी के सॉक्सेस न्यू बॉर्न बेबी के सॉक्सेस जो कि बहुत ही वार्म है और ये अगेन मैंने लिए हैं मदर केयर से और इनका स्टाफ बहुत अच्छा है तो मैं ये भी कैरी करने वाली हूँ फोर पेयर्स और आई डोंट नो कि मेरे को इनकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बट मैं इनको कैरी करने वाली हूँ ये है इट्स uh, बहुत ही क्यूट सा जो कि uh, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है और वो बहुत ही एक्साइटेड थे उनको ये था कि uh, उन्होंने तो बहुत पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने एक दो पैर और बनाए हैं तो इसके साथ उन्होंने ये कैप बनाई है और ये क्यूट सी बूटीज बनाई हैं तो मैं इनको भी कैरी करूँगी uh, कि इफ़ इन केस मुझे ज़रूरत पड़ती है सो so गाइज़ ये सब मैं पैक करने वाली हूँ और आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भूल रही हूँ uh, कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉगर्स um, ने सजेस्ट की है और मेरे रिलेटिव्स ने मेरे को सजेस्ट किया है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए कैरी करनी चाहिए पर आई एम नॉट श्योर क्योंकि uh, उन लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया है कि आप नैपीज़ uh, <coughs> uh, कैरी कर सकते हो पर वो अगेन वो नापिस मुझे ऐसे लगता है कि जो कपड़े वाली जो नापिस होती हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं और अगर कंफर्टेबल होती भी हैं तो भी, भी अगर बेबी भी भी उसमें पी कर दे या फिर पूप कर दे तो फिर वो सारा मेस हो जाता है और वो हैंडल कर, करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट है जो आ, मैं ये पैम्पर्स लेके जाने वाली हूँ इसमें से मैं खोल के थोड़े से पैम्पर्स लेके जाने वाली हूँ और ये सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड था क्योंकि पैम्पर्स के मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं ऑनलाइन भी और ब्लॉगर्स को भी देखा है तो सब लोग सब लोग प्रेफर करते हैं कि पैम्पर्स ही लिए जाए सो so, ये न्यू बॉर्न के लिए है तो मैं इनमें से कुछ लेके जाने वाली हूँ एंड uh, ये मैंने चिको से लिया है <coughs> तो इस पर काफ़ी अच्छा ऑफ़र था ये भी मैंने फर्स्ट क्राई के स्टोर से लिया है इस पर काफ़ी अच्छा ऑफ था मतलब कुछ ऑफ था इस पर और इसके इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं तो मैंने ये ले लिया है सेट ऑफ टू जिसमें से मैं एक कैरी करने वाली हूँ हॉस्पिटल के लिए और उसके अलावा मैंने एक ये बास्केट ले ली है जिसमें हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं तो हिमालय के प्रोडक्ट्स उसमें मेरे को एक ये भी है साथ में आ, बेबी वाइप्स जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है पर मैं इसको भी कैरी कर सकती हूँ साथ में तो इसमें वाइप्स हैं हिमालय हिमालय के जो रिव्यूज़ हैं वो भी ऑनलाइन बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिन लोगों ने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप प्रेफ़र कर सकते हो पर मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हिमालय थी तो मैंने हिमालय ले लिया है और इस बास्केट के अंदर काफ़ी कुछ है इसमें है सोप है जो शायद मैं यूज़ ना करूँ बिकॉज़ मैं ख़ुद पर भी सोप यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं सोप को आई डोंट थिंक कभी यूज़ करने वाली हूँ पर इसमें पाउडर है इसमें डायपर रैश क्रीम है और इसमें मसाज ऑयल है और इसमें है बेबी क्रीम है इसमें और इसमें बेबी शैम्पू है तो इस इसी बास्केट में काफ़ी कुछ है तो पर्पज़ सॉल्व हो जाता है और ये बास्केट आई थिंक है भी बहुत रीजनेबल बहुत ही अफोर्डेबल इट्स फॉर सिक्स नाइन्टी ओनली तो मैंने ये ले ली है और आ, मैं यही यूज़ करने वाली हूँ अभी फ़िलहाल बेबी पे थोड़े दिन तक तो आप बेबी को नहला नहीं सकते हो बिकॉज Uh, एक तो इतनी सर्दी और ऊपर से जब तक uh, डॉक्टर्स आपको जब तक डॉक्टर्स मेरे को सजेस्ट नहीं करेंगे मेरे को नाना चाहिए तब तक मैं बेबी को शावर नहीं दूंगी और सो दिस इज इट गाइस मैं ये पैक करने वाली हूँ सब कुछ पर आई मेक श्योर कि मैं बैग पैक करने से पहले हर एक चीज़ को अच्छे से uh, वॉश करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ क्योंकि चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कुछ भी मेरे को हॉस्पिटल से बोला गया था मैंने उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है और uh, मैं बिल्कुल रेडी हूँ आप बेबी कभी भी आ सकता है बिकॉज़ थर्टी एट वीक्स कल कम्प्लीट हो जाएंगे और uh, <coughs> मैं आपको uh, जल्दी ही अपडेट करूँगी कि मेरा सी होने वाला है सी सेक्शन होने वाला है या नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट स्टॉक में बताऊँगी होपफुली जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँगी तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा और दिस इज़ इट फॉर टुडे और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं अपना बैग पैक कर दूंगी मेरे को एक्चुअली बैग को अच्छे से सैनिटाइज़ करना है कपड़ों को अच्छे से अरेंज करना है आई वांट टू मेक श्योर के सब कुछ क्योंकि अभी दोबारा से कोविड स्टार्ट हो गया है आई वांट टू मेक श्योर कि सब कुछ अच्छे से सैनिटाइज हो किसी भी चीज़ में कोई भी कमी ना रहे बेबी के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हमारी पूरी फैमिली बहुत कंसर्न है एक्चुअली फ़ैमिली में सब लोगों को कोल्ड हो चुका है सो so, जो मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ बोल रहे हैं कि वो देवर लाइक like कि वो बेबी को टच भी नहीं करने वाले दूर से देखने वाले हैं तो so, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब सब ठीक हो चुके हैं सबको कोल्ड था पर अब सब ठीक है तो पर फिर भी हम लोग बहुत प्रिकॉशन लेने वाले हैं हमने घर को भी अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया है हर एक चीज़ को जिस चीज़ से बेबी कॉन्टैक्ट में आने वाला है उन चीज़ों को हमने सैनिटाइज़ कर लिया है आई एम मेकिंग श्योर कि मैं खुद भी कोई चीज़ ऐसी ना करूँ जो बेबी के लिए अच्छी ना हो मैं खुद सैनिटाइज़र कैरी करने वाली हूँ और जो भी लोग उससे मिलने आएंगे सब अपने आप को सैनिटाइज करेंगे सो so गाइज ये टाइम ऐसा है कोविड का आप लोग अगर आप न्यू न्यू मदर्स हैं या फिर हॉस्पिटल जाने वाले हैं या आपकी डिलीवरी पास में है सो so मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगी कि आप सारे प्रिकॉशंस लें क्योंकि बेबी की हेल्थ और आपकी अपनी हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रयोरिटी सो so गाइज आज के लिए इतना ही कुछ था और अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी और होपफुली हम लोग हॉस्पिटल uh, का शूट करेंगे बहुत जल्दी बिकॉज़ टू वीक्स रह गए हैं सो एनी टाइम बेबी वुड बी कमिंग एनी टाइम सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज बाय बाय आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर